प्रधानमंत्री संग्रहालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय का विजिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खबर अभी तक पर। आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद है, तमाम जो कार्यकर्ता है उनके समर्थक है वो मौजूद है और बारीकी से जानकारियाँ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री संग्रहालय आप पहुँचे हैं समर्थकों के साथ, सर बारीकियाँ जानकारियाँ ले रहे हैं, सर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे सभी प्रधानमंत्रियों का विजन क्या था, उन्होंने कौन कौन से मुद्दों पर काम किया, क्या डिलीवरी देश के लिए उनके लिए रही, जो आज़ादी से लेकर अब तक की भारत की विकास यात्रा है उसमें उनका योगदान, ये सब जानने के लिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया और हर प्रधानमंत्री के विजन और उनके काम को दर्शन करने का साक्षात मौका जो है देश की जनता को दिया। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मैं आया हूं और हम अपने सभी प्रधानमंत्रियों के जो है काम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके विजन को समझ रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि 9 वर्षों के कार्यकाल के भीतर उन्होंने जो विकास के तीर्थ खड़े किए हैं उनमें एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण विकास का तीर्थ है। सर, बारीकियां ले रहे हैं, जानकारी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक डेमो पर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बारीकी से जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उससे जानकारी ले रहे हैं। देखिए, अभी मैं लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय में हूँ और वो भी वक्त था जब शास्त्री जी को ये अपील करनी पड़ी थी कि देश एक समय भूखा रह लेगा लेकिन अमेरिका से अनाज नहीं लेगा, वो दिन याद है। और आज हमारे पास उतना ही सरप्लस अनाज है कि हम 140 करोड़ आबादी को खिलाकर इतनी आबादी के लिए और अनाज उत्पन्न करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रीन रेवोल्यूशन उनके समय शुरू हुई उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, खिलाड़ी कल गंगा में अपने मेडल बहाने गए थे, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा समझदारी का निर्णय लिया उन्होंने, उनको गंगा में प्रभावित नहीं किया। न्याय की अपनी प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय की भी देखरेख में है, छोटे न्यायालयों में भी वो गए हैं और कानून और प्रशासन से जो है न्याय मिलने की अपनी एक प्रक्रिया है, उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सारा देश खिलाड़ियों का आदर करता है और उनको न्याय मिले ये भी सब चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ विजिट कर रहे हैं, बारीकियां बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। और बड़ी बात उन्होंने खबरें अभी तक पर कही है खिलाड़ियों को लेकर कि खिलाड़ियों ने कल बहुत ही समझदारी का काम किया और खिलाड़ियों के साथ वो हमेशा खड़े हैं। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।